एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भारत सरकार के तत्वाधन में गवर्नमेंट कन्या विद्यालय में पसी पक्षियों पर कुर्ता एंटी पॉल्यूशन कैंपेन किया गया, जिसमें लगभग 1800 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में योगेंद्र कुमार राजमानत, पशु कल्याण अधिकारी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पक्षियों की घटती संख्या को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करने होंगे। पक्षियों प्रदूषण से मानव एवं पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इससे बचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। इस कार्यक्रम में बच्चों से प्रदूषण का मान एवं पक्षियों पक्षियों पर दुष्प्रभाव एवं पक्षियों पर कुर्ता एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में योगेंद्र कुमार राजमानत, पशु कल्याण अधिकारी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पक्षियों की घटती संख्या को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करने होंगे। पक्षियों प्रदूषण से मानव एवं पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इससे बचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। उन्होंने आगे बताया कि प्रदूषण के कारण दिल्ली से बहुत सी प्रजाति के पक्षी पलायन कर गए और प्रिंसिपल श्रीमती किरण जोशफ ने भी बच्चों को कहा कि हमें पशु पक्षियों के प्रति स्नेह की भावना रखनी चाहिए, प्रदूषण से बचने के लिए उपाय बताएं और प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।